myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 94286-83291. आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में क्या व्यू रहेगा एज पर केपी एंड टेक्निकल्स के हिसाब से, और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे, 10-12 स्टॉक्स जिसमें ऑलरेडी बाय सिग्नल आया हुआ है, और एस्ट्रो का जो भी वेस्टर्न का लॉजिक है उसके साथ क्लब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारी वेबसाइट है authenticastrology.com पर जाके आप वहाँ से देख सकते हो कि हमारी क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने रिसेंटली लॉन्च की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन सेलिंग की। कुछ हमने हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में स्टार्टअप किया हुआ है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के जरिए हम दोनों साइड के कॉल एंड पुट को हेज करके आपको मंडे या ट्यूजडे हेज करने के लिए बोलते हैं एज पर केपी के हिसाब से। केपी का लॉजिक क्या रहता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। केपी का लॉजिक रहता है हमको डायरेक्शन उस एज पर केपी के हिसाब से, केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमको डायरेक्शंस नॉन रहती है कि मार्केट में करीबन ट्यूजडे या वेनसडे से एक्सपायरी से पहले, यानी ट्यूजडे वेनसडे और थर्सडे को एक अप्स डाउन अप एंड डाउन, यानी अगर ट्यूजडे को हमारे केपी के हिसाब से 9:15 से लेके 12 बजे या 11 बजे तक एक अपवर्ड्स मूवमेंट है ओवरऑल, बाद में 12 से 1:30 या 2 बजे तक एक नेगेटिव मूवमेंट है, बाद में फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट है, यानी अप डाउन अप, मार्केट एक नैरो रेंज में, मार्केट एक साइडवे में चलने वाला है, वो हमको केपी के हिसाब से नॉन रहता है, ठीक है। इस हिसाब से हम कब ये टेलीग्राम चैनल जो एस्ट्रो ट्रेडिंग गेम चेंजर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ हम एडवांस में आपको बताते हैं ट्यूजडे या मंडे या वेनसडे को कॉल एंड पुट को सेल करना होता है। उसका एक नज़रिया आप लास्ट 3 या 4 वीक से देख रहे हैं। ये लास्ट लास्ट वीक का है जो मैंने 3 अगस्त को दिया हुआ था 22,200 का सी 92 रुपीज़ में और 21,500 का पी मैंने 429 में सी एंड पी को दोनों को सेल करवाया हुआ था, और आप देख सकते हो उसकी मूवमेंट, ठीक है। उसकी मूवमेंट आप देख सकते हो 6 अगस्त को दोनों की प्राइस मिला के 522 हो रही थी और वो 522 से 135 तक गया हुआ था, ठीक है। और एक नज़रिया हम देखते हैं उसके अगले वीक का है, जो ठीक है उसके अगले वीक का, जैसे 27 जुलाई को मैंने बोला हुआ था कि 21,100 का पी 193 रुपीज़ का था और 22,500 का सेफ फॉर्म, ठीक है। और उसकी प्राइस 27 जुलाई को मैंने कॉल एंड पुट को सेल करवाया हुआ था और दोनों की प्राइस थी 646, और वो करीबन आप देख सकते हो एक्सपायरी के दिन 646 का 70 रुपीज़ हुआ था 30 जुलाई को, ठीक है। ये होती है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। और उसके अगले वीक का एक नज़रिया हम देखते हैं, ठीक 21 जुलाई की बात करें तो 21 जुलाई को 22,900 का सी एंड पी दोनों हमने सेल करवाया हुआ था, ठीक है। दोनों की प्राइस करीबन 581 थी और 581 का करीबन आप देख सकते हो 120 तक गया हुआ था, ठीक है 23 जुलाई को। तो हमको एज पर केपी के हिसाब से नॉन होता है कि मार्केट एक नैरो रेंज में चलने वाला है, और कौन सी डेट कौन सी मंडे पोजीशन बनानी है ट्यूजडे पोजीशन बना से उस हिसाब से हम पोजीशन सी एंड पी को सेल करवाते हैं, और एक अच्छा खासा 2 से 10 गुना पैसा वहाँ बनता ही बनता है, क्योंकि हमको एस पर केपी के हिसाब से डायरेक्शन नॉन होती है। तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्लेमर में
टेलीग्राम की लिंक ऑलरेडी है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात ऑप्शन सेलिंग की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक में एज पर केपी के हिसाब से क्या बैंक निफ्टी की डायरेक्शंस क्या होने वाली है। ठीक है, हम इंट्राडे की ही बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10th अगस्त की बात करें तो 10th अगस्त को 9:40 से 11:20 के बीच में आपको एक अपवर्ड स्पाइक दिखाई देगी। और हमारा केपी का रूल है, आपको बता दे रहा हूँ, हमारा केपी का रूल है कि 2711 इज़ अ पॉजिटिव एंड 1812 इज़ अ नेगेटिव। यही थंब रूल पे हम हमारी केपी सिस्टम्स चल रही है। ठीक है, तो 9:40 से 11 के बीच में आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगी। बाद में 11th अगस्त की बात करें, 11th अगस्त को 10 से 11 के बीच में एक आपको अपवर्ड मूवमेंट्स दिखेंगे। क्यों दिखेगी वो समझने की कोशिश कीजिए, 7th 11th जैसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है। ठीक है, बाद में 140 लास्ट एक स्लॉट है, 140 से 3:30 के बीच में आपको एक माइनर बायोन डिप्स दिखाई देगी। बट में 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को भी आपको 10 बजे से लेके 12:40 के बीच में एक आपको ओवरऑल अपवर्ड मूवमेंट्स मिलेगी। बाद में 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को 10 बजे से 11:40 के बीच में एक आपको नेगेटिव मूवमेंट्स मिल सकती है, मगर वहाँ आप 15 मिनट कैंडल का बिहेवियर देखने के बाद ही एंटर किया कीजिए। ठीक है, 14 अगस्त की बात करें तो 14 अगस्त को एक शॉर्ट टाइम स्लॉट है कि 12:40 से लेके 1 मिनट्स फर्स्ट टाइम स्लॉट है जो 9:15 से लेके 10:40 को, वहाँ आपको एक ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई बात पर्टिकुलर केपी के हिसाब से बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में क्या व्यू रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो स्टॉक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बजाज फाइनेंस। ठीक है, तो बजाज फिनसर में ऑलरेडी ये सिग्नल ऑलरेडी उसने दिया हुआ है 5 अगस्त को करीबन 6188 से। ठीक है, 6188 से 5 अगस्त को उसने 2 बजे सिग्नल दिया हुआ है बाय का, और ये बढ़िया अपवर्ड मूवमेंट ऑलरेडी उसने दे दी। तो अब बजाज फिनसर में क्या होगा, तो अगर आपको एज पर वेस्टर्न के हिसाब से बजाज फिनेंस फाइनेंशियल सेक्टर का कारक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का 90 डिग्री से नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है यूरेनस के साथ, तो एक 10 और 11 अगस्त को अगर आपको 6420 को नीचे मिले तो सेलोन राइज आप कर सकते हो, और 12 से 14 के बीच में अगर आपको 6420 से अपवर्ड मूवमेंट मिले तो आपको 12 से 14 के बीच में आपको एक बायोन डिप्स दिखाई देगा। ठीक है, एज पर वेस्टर्न के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस में 3250 5 अगस्त को 12 बजे बाय सिग्नल उसने दिया और एक बढ़िया मूवमेंट 3464 तक दी हुई। सेम वन 10 और 11 को सेलोन राइज, अगर वो 3320 के नीचे अगर आपको दिखाई दे तो सेलोन राइज 10 अगस्त और 11 अगस्त को, एंड 12 एंड 14 अगस्त को आप बाय एंड डिप्स उसमें कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में क्या होगा, तो भारतीय एयरटेल में ऑलरेडी उसने 549 से बाय सिग्नल 6 अगस्त को 10 बजे जनरेट किया हुआ और करीबन उसकी मूवमेंट 562 तक गई है। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल में 71 आप 10 एंड 11 अगस्त को सेलोन राइज कर सकते हैं, और 556 के नीचे निकले तो सेलोन राइज 10 एंड 11 अगस्त को, और 12 से 14 के बीच में आप बाय एंड डिप्स उसमें कर सकते हो अबो 556 के लेवल के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में ऑलरेडी 3827 के अबो उसने सिग्नल 5 अगस्त को करीबन 3 बजे किया और उसने मूवमेंट बढ़िया मूवमेंट 3934 दी हुई है। ठीक है, 71 वही लॉजिक मर्क्यूरी का, 10 और 11 अगस्त को आपको 3872 के अबो अगर मिले तो आप उसमें
10 एंड 11 अगस्त को सैलोन राइज 3872 के नीचे मिले तो उसमें सैलोन राइज कर सकते हो, और 12 से 14 अगस्त के बीच में आप माइंड डिप्स ब्रिटानिया में कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पीवीआर। पीवीआर में 1091 से उसने 5 अगस्त को 2 बजे सिग्नल जनरेट किया और करीबन 1150 तक गया होगा। अब क्या करें, तो अगर पीवीआर सन से देखा जाता है, जनरली मीडिया सन एंड राहु, तो मीडिया एंड एंटरप्राइज का सेक्टर से आप सन एंड जुपिटर का एस्पेक्ट हो रहा है 150 डिग्री से, सन एंड नेपच्यून का भी 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, तो पूरे नेक्स्ट वीक के लिए पीवीआर में अगर 1087 के अबोव मिले तो आप उसमें बायोन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि उसमें सन एंड जुपिटर का 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है, देन 2 दिन के बाद सन नेपच्यून का 150 और सन एंड प्लूटो का भी 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है। तो अगर 1087 से अबोव मिले तो उसमें बायोन डिप्स पीवीआर में आप कर सकते हो फॉर नेक्स्ट पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात कर लेते हैं जिल। जिल में ऑलरेडी उसने 142 को 4 अगस्त को जनरेट किया हुआ है और बढ़िया मूवमेंट 152 तक दी है, इसमें भी आप बायोन डिप्स नेक्स्ट वीक के लिए कर सकते हो अबो 149 के लेवल के ऊपर में, क्योंकि सन जुपिटर सन नेपच्यून एंड सन प्लूटो का 150 डिग्री इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सन टीवी, तो सन टीवी में 379 को 28 जुलाई से ऑलरेडी हमारा जो ऑथेंटिक एस्ट्रो ट्रेनिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसने सिग्नल ऑलरेडी 29 जुलाई को 10 बजे कर दिया है 379 के लेवल से, और एक बढ़िया मूवमेंट 404 तक दी हुई है, तो उसमें आप 392 के अबोव ही मिले नेक्स्ट वीक में तो उसमें भी आप बायोन डिप्स कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में 10 एंड 11 अगस्त को सैलोन राइज कर सकते हो। टीसीएस में 2298 के बिलो आपको मिले तो सैलोन राइज 10 और 11 अगस्त को कर सकते हो, और 12 से 14 के बीच में आपको बायोन डिप्स करना है 2298 के हिसाब से, 2298 के अबोव मिले तो ठीक है। बाद में बात कर लेते हैं विप्रो। तो विप्रो में सेल सिग्नल ऑलरेडी उसने जनरेट किया हुआ है 6 अगस्त को 12 बजे 278, ठीक है, यानी आपको 284 के नीचे ही मिले तो 10 एंड 11 अगस्त को सैलोन राइज कर सकते हो विप्रो में, और 12 से 14 के बीच में अगर 280 या 284 के अबोव मिले तो मैं बायोन डिप्स 12 के 14 अगस्त के बीच में कर सकते हो। बाद में बात कर लेते टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी बाय सिग्नल जनरेट किया है 7 अगस्त को करीबन 3 बजे 659 से, ठीक है, तो करीबन 668 से अबोव मिले तो 12 से 14 अगस्त के बीच में आप उसको बायोन डिप्स कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई पर्टिकुलर स्टॉक्स की। अब बात कर लेते कुछ एमसीएक्स सिल्वर में। सिल्वर में आप देख सकते हो हमारे ऑथेंटिक एस्ट्रो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से उसने 31 जुलाई को करीबन 9 बजे एक सिग्नल जनरेट किया हुआ था करीबन 64648, ठीक है, 64648 से उसने बाय जनरेट, और एक बढ़िया मूवमेंट दी थी करीबन 78000। क्या होती है मूवमेंट आप देख सकते हो और सोच सकते हो, ठीक है। तो ऑथेंटिक एस्ट्रो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एमसीएक्स स्टॉक्स एंड फ्यूचर के लिए, 11400 प्राइस है, वो आप परचेस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लॉजिक समझना है तो दो बार थिंक कीजिए, गेन कीजिए, वॉच कीजिए एंड देन ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।